दारू पी रहे हो आप? बबलू की शादी में पहली बार दारू है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज हो चुके मेरे दिन की शुरुआत पार्सल से। कुछ छोटी मोटी बड़ी चीज मंगवाई थी मेरी, तो वो आ गई हैं। आ रहे हो जिम? बाय बाय। हाँ जी, आ तो डेढ़ घंटे बाद मैं तो रेडी रहूंगी। तो रेडी हो जियो, मैं आऊं तो रेडी मिलियो मेरे को, ये नहीं कि फिर मैं आऊं फिर तू रेडी हो। ठीक है, बाय बाय बाय। तो भाई अभी रेडी होके आ चुके हैं और अभी घर का खाना ही देसी, ये कहते घिया की सब्जी मम्मी ने बनाई है, तो मम्मी की देसी हाथ की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। और दो रोटी खा के फिर फटाफट से निकलेंगे, वो भी तैयार हो चुके, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बस रोटी खानी है। मणिया आओ, मैं बताती हूँ क्या कह रहे हो। कैसा लग रहा हूं मैं? बढ़िया लग रहा हूँ, एकदम लग रहा है जिम जाते हो। हाँ तगड़े लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे हो और पर लीन लग रहे हो, आपका फेस एकदम पतला लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। चलें? यस, अगर आपकी परमिशन हो तो। गाइस ये देखो, ये मेरा लुक है, आप भी बहुत ब्यूटीफुल। अभी मेरी चुन्नी जो है वो ऑस्कर बादल ने फाड़ दी है, तो हम खाना वाकई में चुन्नी लेंगे, वो लाइट ऑफ कर दियो। हाँ भाई साहब का फोन का कवर हमेशा टूटा ही रहता है, टेम्पर्ड, सॉरी। तो टेम्पर्ड लगवाने एक बार जा रहे हैं और मैंने चुन्नी भी ले ली अपनी, क्लोजेस्ट यही थी यार, इससे मैचिंग ली है जो है, क्योंकि बादल और ऑस्कर ने फाड़ दी, मेरा कुछ कोई भी सूट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन छोड़ा ही नहीं उन दोनों ने। आओ प्लीज, जंजीर वाला खड़ा रहा वहाँ पे, रेड लाइट के वहाँ पे तो खड़ा होना पड़ेगा एक घंटा, एक मिनट की रेड लाइट को एक घंटा कहते हैं। झूठ बोलता है और वहाँ पार्किंग में ऐसे शोर में चाह रहा है, समझा कितना भारी नुकसान कर दिया आपने। अरे मैं जैसे कि मैंने इसको बोला था यहाँ पे आके कर, तू पार्किंग में आ जा, फिर मैं वहाँ से घूम के गया पार्किंग, तो एक घंटे का मैं वेट करते रहे, नहीं आया तो घूम के आना पड़ा। तीन चार बस निकाल ली मैंने, इनको याद नहीं होगा, मैं तीन चार बस निकाली, मतलब रोड क्रॉस करवाई उनकी मैंने। अच्छा, अबे तू तो इस साइड खड़ा था, सुनो बस की रोड क्रॉस कराई है इसने। तो भाई मैं तो अपनी डाइटिंग साथ रखता हूँ, अपनी डाइट साथ लेके आता हूँ, खाता रहता हूँ। अच्छा, पेट भरा रहेगा ना, तो कम ही खाऊंगा वहाँ पे, गंद कम खाऊंगा। नितिन फुल स्मार्ट लग रहा है, नहीं लग रहा हूँ ना मैं सेक्सी, स्मार्ट लग रहा हूँ। लोग कहेंगे जब से मणि आया तब से ही पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ। कभी कभी तो तैयार होता हूँ यार, इसके बाल देखो इस कैसे फीलिंग समझा करो भाई। भाई हरियाणा रोडवेज वाले आज भी आदमी है, पीछे यहाँ पूरी जाम लगी हुई है, इसके ऊपर से चढ़ा के रोड साइड लेके जा रहे उधर, तो ले पहले एक गया फिर उसके पीछे दूसरा आ गया। हाँ। आपका स्वागत है हरियाणा में। तो अभी पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई, 7 बज गए, कब से निकले हुए हम, जाम बहुत तगड़ा मिल गया रास्ते में, बीच में वो बन रहा था ना कोई पुल वगैरह, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी बढ़िया? थोड़ी भूत की संभावना होती है, दूल्हे राजा जी आ गए। और भाई बस बढ़िया भाई, दूल्हे राजा भाई कैसे हो? चलो भाई आ जाओ इस साइड ही लगा लो, भाई लगन की सेरेमनी यहाँ पे हो रही है, तो अभी चलते हैं फिलहाल अंदर। तो इनके सारे यहाँ पे दोस्त वोस्त मिले, तो इनसे यहाँ पे बातचीत। आधा फेस तो उसका ना पंकज को है, आधा शेर। अरे भाई साहब बहुत जबरदस्त, ये होता है भाइयों का प्यार, बनवा ले। तुम आधा क्या बनवाओगे, शेर और अरे आधा इनका फेस और शेर की जगह बनवाओगे? बढ़िया से देखता हूँ, बढ़िया से उसको चिंपैंजी बनवा लेना। ये लक्ष्मण है, बहुत ये तो बहुत मुश्किल बड़ा टैटू है, छोटो बनवा दी भाई, ये थोड़ा दर्द हो गया तो खून खान आ जाओ, नाम लिखवा पर तो निकल गया, क्या तरह कर ले निकल निकल यार, ये तो मतलब केयर करनी पड़े। क्या कह रहा था?
मतलब लड़की की तरफ से मतलब सामान वामान दे देते हैं। क्योंकि देख एक देखा मणि है कि उसमें भी हमने बोला था हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दिया क्योंकि देते हैं वो। तो भाई दूल्हे राजा हमारी सेवा कर रहे हैं, ये देखो फेवरेट चीज लिया है तेरी, तो रात भर जगी अब तू डांस कराना तेरे को आज। डांस कर रहा है भाई, दूल्हे की बात नहीं सुन रहे कोई, बैठ जा तू, बैठ। तो भाई हम यही बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू हमने कभी ब्लॉगिंग करी नहीं है ढंग से, अगर करी होती तो आज और भी यू नो काफी अच्छा, मतलब ठीक है, इतना वो नहीं है, मेरे को गम नहीं है, और लोग जुड़ते और लोग प्यार करते, बस ये है ना थोड़ा सा, तो सही रहता बट ठीक है। इन फ्यूचर गाइज मेरे को दो थोड़ा सा टाइम, फिर मैं 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, पक्का करूंगा, बट मेरे को मैक्स टू मैक्स 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद मैं कंटिन्यू काम करूंगा, ठीक है। तेरे को भी करनी है मेहनत, सिर्फ मैं नहीं इसको बोलता हूँ कर दे, ये तो सिर्फ नाम का ब्लॉगिंग करती है बस। अच्छा हाँ, पर मेहनत तो करती है तू, ये तो है। अभी हम एक पापा के फ्रेंड के घर पे आए थे, मुकेश राव के घर पे, तो यहाँ पे हमें मिला है देसी दूध पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज देसी दूध। किसका है, भैंस का है, गाय का है? भैंस का है। चलो बबलू की शादी में पहली बार दारू है, पहली बार पी बबलू की शादी में दारू, थमने ला लियो टाइटल डाल के। यार तुमसे एक बच्चा नहीं संभाल रहा है, मेरी शक्ल इतनी गंदी है, सब बच्चे देख के रोते हैं मुझे, तुम्हारी गोदी में आके रोने लग गया हूं। एक बार मड़िया को रिजेक्ट कर चुका है, अब आप बुलाना यार, किसी दे दो भाई को, देखा बुलाओ, आपकी आ जाओ मिल पाच, आ जाओ आ जाओ, देख आजा मेरा दोस्त बन गया। अच्छा अच्छा ठीक, एक बात तो है बच्चे तेरे पास रुक तो जाते हैं, हैं भाई बल्ले, ओहो गुल्लू गुल्लू। हमने वीडियो शूट करवाई है और ये लोग भी अभी यहाँ पे रील शूट करवा रहे हैं, तीनों भी चले जाओ, इसके दोस्त मिल जाते हैं, हमारे फैंस इसके फ्रेंड्स बराबर ही है। मैडम गाड़ी में बैठी है आके, और इसका ये देखो दुपट्टा देखो, ओए ये दुपट्टा क्या है, अंदर कर उसको, चल उधर ले, अब तो तुम्हारी बारी आ रही भगवान करने की, अब तुम करने वाले हो भगवान के पैर में लाग दी, अब ये करेगा, अब ये करेगा भगवान, तो ये तो करे तू भी भगवान का, यहाँ कर भाई आधी रात को उन्होंने हम पे प्रैंक कर दिया, और ये देखो ये ना आपको लोगों को दिख नहीं रहा क्योंकि बाहर सारा अंधेरा है, ये बाहर जो है यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, देखो, और इन्होंने हम पे प्रैंक भी करा है, बहुत जबरदस्त प्रैंक है, तो वो आप सब लोग जाके मतलब इसी चैनल पर डालेंगे शायद, तो सब लोग देखना, बहुत मस्त प्रैंक शूट हुआ है, इन्होंने हम लोगों को पागल बना दिया, तो वो अलग से डालेंगे, इस ब्लॉग की बात डलेगा वो। तो यार हम गूगल मैप के उससे आ गए, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं, ढासा वाटर से निकाल रहे हैं, वो बंद ना हो किसानों की उसकी वजह से, आई थिंक सो तो नहीं है, बट लेट्स सी, देखते हैं, दिखा तो रहा है 45 मिनट्स, देखते हैं अब कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, जो भी है मैप ने सीधा गाँव से निकाल के, हाईवे पता नहीं कब आया, और कब कब, हाँ हाईवे आई नहीं, और कब दिल्ली पहुंच गए पता भी नहीं लगा है, नजफगढ़ आ गए हम, मतलब गाँव टू गाँव आ गए ना, गांव-गांव से दिल्ली पहुंचा दिया, बारिश आई हुई है अंदर यार, हां सबसे पहले स्वागत किसने किया, मेरे खरगोश ने, ओए अरे बादल बस, यहाँ घर आके भी डाइट है, बहुत अच्छी बात है भाई, अभी 3:15 बजने वाले बज रहे हैं मतलब, और हम लोग आए थे कितने बजे, हम 2:30 बजे आए ना घर, हाँ। तो भी मील वील लिए, चेंज वेंज किया, और ये घुस के सो रहा है बिल्कुल ही तो नहीं आएगा वो,
तो गाइज व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।